गाइस, आपको बहुत सारे क्रिएटर ने बताया होगा कि अगर आपको अपने वीडियो को वायरल करना है, अपने वीडियो पर व्यूज लेके आने हैं, तो आप लोग को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भर भर के कीवर्ड को लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग उनकी बात को मानकर आप लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे कीवर्ड को डाल देते हैं और आप लोग सोचते हैं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। पर दोस्तों, आप लोगों ने कीवर्ड को डाल के देख भी लिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्या आप लोग की वीडियो वायरल हुई? अब आप लोग का रिप्लाई आएगा बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोग इस बात की गांठ बांध के रख लो कि अगर आप लोग सालों साल भी इस तरीके से काम करते रहोगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भर भर के कीवर्ड्स को लगाते रहोगे, तो आप लोग के वीडियो पर भाई बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। अब आप लोगों को मेरी बात शायद कड़वी लगती होगी, पर दोस्तों ये 100% सच है, क्योंकि दोस्तों अब एल्गोरिथम का जो खेल है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब एल्गोरिथम गया तेल लेने, अब आपको क्या करना है, अब आपको गूगल से उठा के बायटी स्टूडियो के अंदर एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिसके जरिए आप लोग अपने वीडियो पे व्यूज ला सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहे जिस वीडियो को उस वीडियो को वायरल करा सकते हैं। तो अगर आपके वीडियो पर भी 8, 10, 15 या 20 व्यूज आ रहे हैं और इससे ज्यादा आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आप लोग के चैनल पे चाहे 10 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 50 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 1000 सब्सक्राइबर्स हो, आप लोगों के वीडियो पर व्यूज आने लगेंगे। अब दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आप लोगों को बस गूगल से उठाना है और वाइटी स्टूडियो के अंदर लाके डाल देना है और आप लोगों की जो वीडियो है वो रातों रात वायरल हो जाएंगी। अब दोस्तों, आप लोगों के अंदर से बेचैनी होती हुई कि आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक है, तो समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुकी हूं अपने बायटी स्टूडियो एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी काफी सारी वीडियोस यहां पे अपलोड की हुई हैं। अब यहां पर देखो, मैं इस ट्रिक को काफी टाइम से यूज कर रही हूं और आप लोग भी अगर इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपके व्यूज आने लगेंगे। अब देखो, मान लीजिए ये वाली मेरी वीडियो है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को कर लेती हूँ ओपन। जैसे मैंने इस वीडियो को ओपन किया, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो की परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से अच्छी है, मतलब कि आप देख सकते हैं तीनों के तीनों जो एरो है वो डार्क ग्रीन है और यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिखा है व्यूज आर अप, रेगुलर व्यूअर्स ऑफ योर चैनल आर वॉचिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से रैंक कर रही है। अब यहाँ पर देखो क्या है, पेंसिल का आइकन मिल रहा है, मैं पेंसिल के आइकन पे कर लेती हूँ क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं जाऊंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सिंपली हम चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो मैं नीचे की साइड जाती हूँ तो यहाँ पर देखो काफी सारे मैंने यहाँ पर देखो कीवर्ड लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफी सारे कीवर्ड लगाए, इन्हीं कीवर्ड की वजह से आप लोग की जो वीडियो है वो रैंक करती है। पर दोस्तों, यहाँ पर जो कीवर्ड आप लगाते हैं वो पता नहीं आप लोग अपने मन से लगाते हैं या किसी क्रिएटर की कॉपी करके लगाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है आपको, अब मैं इस वीडियो को बैक लेकर चलती हूँ। अब यहाँ से चलते हैं इसके वीडियो परफॉर्मेंस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से वीडियो परफॉर्मेंस पे कर लेती हूँ क्लिक। जैसे मैंने वीडियो परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रीच वाला, इस ऑप्शन पे कर लेते हैं क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है यूट्यूब सर्च टर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले इस चीज को समझना, उसके बाद आप लोग कमेंट करना, ठीक है। देखो, इससे पहले क्या होता था कि आप लोगों के जो टॉप में 2 से 3 कीवर्ड दिखते थे, बस इन्हीं कीवर्ड पे आपकी वीडियो थी वो यूट्यूब सर्च में जाती थी। पर दोस्तों, अगर आप लोग चाहते कि ये सारे कीवर्ड से आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में जाए, तो आप लोगों को बस उस ट्रिक को लगाना पड़ेगा जिससे आप लोगों की वीडियो ज्यादा रैंक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले ये वाला कीवर्ड था सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, सरिता पटेल टैक्स, ये 3 कीवर्ड है जो टॉप में मेरी वीडियो को रैंक करा रहे हैं, मतलब कि सर्च में पहुंचा रहे हैं। अब मान लीजिए ये नीचे के कीवर्ड होते हैं, ये बेस्ट हो जाते हैं, इनसे हमारी वीडियो यूट्यूब सर्च में नहीं जाती है। पर जो ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आपके जो नीचे यहाँ पे कीवर्ड दिख रहे हैं, इन कीवर्ड से भी आपकी वीडियो रैंक करेगी, ठीक है। अब बस आपको यही तरीका लगाना है, बाकी आप लोग की वीडियो ब्राउज फीचर में, यूट्यूब सर्च में, सजेस्टेड में, सभी चीजों में जाने लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके व्यूज है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको एक चीज को ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले अपना टॉपिक है उसको डिसाइड करके रखना है कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस को बनाना है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी जो ट्रिक है वो काम करेगी। अब यहां से आपको चले जाना है बैक। बैक जाने के बाद मान लीजिए आपका टॉपिक डिसाइड हो गया कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, ठीक है, या आपके यहाँ पर आप बायटी स्टूडियो में जाना और यहाँ पर आप देख लेना कि आपकी कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छी रैंक नहीं की है। यहाँ पर मान लीजिए मेरा ये वाला चैनल है कि YouTube चैनल अनफ्रीज कैसे करें, तो ये वाली वीडियो पे देखो 1900 व्यूज आए। मान लीजिए मुझे इसी वीडियो के अंदर वो ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ से जाना है बैक। तो बैक जाने के बाद अब आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन जरूर होगा, क्रोम ब्राउजर। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर को कर लेना है ओपन। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको मिलता है सर्च बार।
अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर करना है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड टूल आईओ। इस तरीके से आपको ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर कर लेना क्लिक, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस नया ओपन हो जाता है। ये दोस्तों गूगल का ही है, ठीक है, ये यूट्यूब की भी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यूट्यूब ने खुद बनाई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं गूगल की जो वेबसाइट है ये दोस्तों 100% रियल तरीके से काम करती है कि यूट्यूब पे क्या चीजें सर्च हो रही है, यूट्यूब पर आपको वीडियो कैसे ले जानी है सर्च में, कैसे सजेस्टेड में ले जानी है, कैसे ब्राउज फीचर में ले जानी है, तो वो पूरा तरीका आपको यहाँ से पता चलता है। अब देखो क्या करना है, गूगल का ही यूट्यूब है और गूगल की ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है गूगल सेलेक्ट किया हुआ, इस पर कर लेना क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब का, सिंपली करना क्या है यूट्यूब के ऑप्शन पे कर लेना क्लिक। जैसे आप यूट्यूब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर मिल रहा है इंडिया कंट्री। अब देखो अगर आपको अपनी वीडियो को और अदर कंट्री में भेजना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और दूसरी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें इंडिया में ही रखना है क्योंकि हम लोग हिंदी लैंग्वेज में वीडियो को बनाते हैं, तो इसको यहीं पर रख देना, बाकी यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्ट रखना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मिल रहा है सर्च का आइकन, तो सर्च करना है, पर उससे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कीवर्ड डालना है जिस कीवर्ड पे आपकी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमें डालना है यूट्यूब चैनल, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं यूट्यूब चैनल अनफ्रीज, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अनफ्रीज कैसे करें, तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड पड़ गया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर मिल रहा है आपको सर्च का आइकन, तो सिंपली कर लेना सर्च पे क्लिक, जो आपका टॉपिक हो आप लोग वो टॉपिक यहाँ पर डालना, थोड़ी सी यहाँ पे सर्चिंग लेता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद आपके लिए यहाँ से बेस्ट कीवर्ड मिलते हैं। देखो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया अब देखो आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब ये सर्च होगा तो आपके सामने इस तरीके का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको कीवर्ड मिल गए, ठीक है, अब ये देखो सारे के सारे यहाँ पर देखो कीवर्ड मिल गए। अब आपको क्या करना है, ये सारे कीवर्ड को आपको करना है कॉपी। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक कॉपी का ऑप्शन जो नीचे की साइड आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है कॉपी का ऑप्शन, तो कैसे कॉपी करना है आपको सिंपली ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है ये सारे कीवर्ड पर इस तरीके से आपको करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से मैं कर लेती हूँ फटाफट से सेलेक्ट। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, ये सारे कीवर्ड है जो कि आपके वीडियो को यूट्यूब सर्च में ले जाएंगे। तो यहाँ से देखो मैंने सारे कीवर्ड को यहाँ से देखो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉपी का ऑप्शन, सिंपली यहाँ से कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप लोग यहाँ से चले जाओ बैक। बैक जाने के बाद अब आपको अपने मोबाइल का नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पर आकर वो सारे कीवर्ड है वो यहाँ पर देखो डाल देने हैं। इस तरीके से देखो अब आपको जो कीवर्ड मिले हैं ये कीवर्ड 100% आपके वीडियो को यूट्यूब सर्च में पहुंचाते हैं और ये सारे कीवर्ड से आपकी वीडियो रैंक करती है, ठीक है। अब देखो आपको क्या तरीका लगाना है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये इतने सारे कीवर्ड लगाने से क्या हमारे चैनल पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। बस आपको एक तरीका लगाना है, यहाँ पर इनके आगे जो कॉमा लगे हुए हैं ये सारे कॉमा आपको क्या करना है हटा देने, रिमूव करने हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमा आपको यहाँ पे नहीं लगाने हैं। अब देखो आप लोग सोचते हो कि ये सारे कीवर्ड को क्या आपको कॉपी करके अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको सिंपली क्या करना है, हमने गूगल से ले लिया, अब सिंपली यहाँ से आप लोगों को थोड़े यहाँ से कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे टॉप के, वो आपको यहाँ से इस तरीके से कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद अब आप लोग यहाँ से चले जाओ बैक। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से बायटेक स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे देखो आपको जो वीडियो मिल रही है आपको जो वीडियो डालनी है उस वीडियो पर कर लेना क्लिक। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे अब आपको यहाँ से जाना है पेंसिल वाले आइकन पे। जैसे आप पेंसिल वाले आइकन पे जाओगे अब देखो यहाँ से आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, सिंपली डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना और देखो यहाँ से नीचे की साइड देखो मैंने इतने सारे कीवर्ड यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये लगाए हुए हैं इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम वो वाले कीवर्ड है उनको इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ से इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है यहाँ से ये सारे कॉमा है ये कॉमा आपको इस तरीके से कर देने हैं रिमूव। जब आप ये कॉमा रिमूव कर दोगे तो आपकी वीडियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लोग की वीडियो 100% हो जाएगी सेव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, तो ये सारे कॉमा आप लोग सबसे पहले हटा लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे कॉमा को यहाँ से कर दिया रिमूव, ठीक है। अब आप लोग को ये सारे कॉमा यहाँ से एक एक करके सारे के सारे हटाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो हो गया रेडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ये कीवर्ड लगाए, ये कीवर्ड बहुत कम सर्चिंग में जाते हैं, पर यहाँ पर जो भी कीवर्ड मैंने लगाए ये सारे के सारे कीवर्ड आपके वीडियो को सर्च में ले जाएंगे, 100% आपकी जो वीडियो है वो रैंक करेगी। अब क्या करना है आपको यहाँ से ले जाना बैक। बैक जाने के बाद अब आपको कर देना यहाँ से सेव, इस तरीके से आप कर दो यहाँ से सेव। जब आप सेव कर दोगे
तो अब आपकी वीडियो है वो ऑटोमेटिक यूट्यूब सर्च में चली जाएगी और आपकी वीडियो ऑटोमेटिक ब्राउज फीचर में जाएगी और आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा रैंक करने लगेगी। तो अगर आप लोग कभी भी अपनी वीडियो को अपलोड करें तो आप लोग को वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे ना आपको किसी क्रिएटर के कीवर्ड को कॉपी करना है ना आपको अपने मन से कीवर्ड को लगाना है। आपको अगर कीवर्ड लगानी है तो आप सिंपली जाओ गूगल पे, तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च करेंगे अपना कीवर्ड तो यहाँ से ये वेबसाइट आपको बहुत सारे कीवर्ड दे देती है। और इस तरीके से दोस्तों जो आपको टॉप में दो कीवर्ड मिलते हैं इन्हीं से आप लोग अपने वीडियो का टाइटल है उसको क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ये टाइटल आपको आपकी वीडियो को सर्च में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि आखिर आपकी वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। एल्गोरिथम का भाई कोई भी खेल नहीं है, सारा खेल आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन का, आपके वीडियो के कीवर्ड का है। जितना अच्छे तरीके से अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हो, जितने अच्छे तरीके से अपनी वीडियो का एसईओ कर सकते हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लगा दिया, इसी तरीके से आपको जो टॉप में कीवर्ड मिले उन्हीं को अपने टैग्स में लगा देना, ठीक है। तो आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं रही कि हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे। अब दोस्तों आप लोग सोचे कि मैं पहली वीडियो से ही ऐसा रिस्पांस हासिल कर लूं कि मेरी वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज आने लगे, तो पहली वीडियो से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, बड़े बड़े क्रिएटर को नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। तो भाई इस तरीके से कम एक महीने तक लगातार 30 वीडियो को अपलोड करना है, तब कहीं जाके आपके वीडियो पर रिस्पांस पता चलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।